बबीता जी, कल यहाँ पर बहुत अच्छा विषय निकला था और उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। बोले जो है अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन चल रहा है, और यहाँ अमूढ़ दृष्टि अंग में कहा गया है कि जिसकी हम जो जिसका जो पद है उसके अनुसार हमें उसका वो ही विनय सत्कार आदर करना चाहिए, अन्यथा हम क्या कर देते हैं। जो मतलब उसमें बताया गया था कि हमें कौन पूजनीय है, कौन वंदनीय है और कौन आदरणीय है, इनके बारे में हमें कल यहाँ बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई थी। क्या बोले बोले अन्यथा बहुत से लोग क्या करते हैं, आजकल गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मचारी लोग हैं अपने आप को नमोस्तु बुलवा रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग जो है अपने आप के नवदा भक्ति बुलवा रहे हैं, तो ये क्या है, अनधिकार चेष्टा है। हमारे यहाँ विधान क्या बताया गया है कि जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, उनके लिए नमोस्तु बोला जाता है, या पंच परमेष्ठी को नमोस्तु बोला जाता है, अन्य किसी को आरिका, एलक, छुल्लक, छुलिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, इनको नमोस्तु नहीं बोला। इस बात को हमें ध्यान रखना, किनको बोलना है, केवल पंच परमेष्ठी और पंच अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, ये जो है पंच परमेष्ठी हैं, तो ऐसे उन पंच परमेष्ठियों के लिए हमें क्या करना है, नमोस्तु बोलना है, बाकी किसी को नहीं बोलना है। कोई कितना भी करे, आजकल बोलने लगते हैं ब्रह्मचारी हमें नमोस्तु बोलो, या कोई एला चुला भी, या कोई माता जी के नमोस्तु बोलो, नहीं। जो आगम में जिसका जो विधान है केवल पंच परमेष्ठी को ही नमोस्तु बोलना है और किसी को नमोस्तु नहीं बोलना है, ठीक है ना। आरिका माता जी हैं, उनके लिए हमें क्या बोलना है, तो बोले उनके लिए बंदामी, क्या बोलना है, बंदामी, बंद जो बोलना है बंदामी। अब कोई क्या ब्रह्मचारी हमें बंदामी बोलो, या कोई ब्रह्मचारी बोले बंदामी बोलो, या एलिया चुल्ला बोलो बंदामी बोले, नहीं। हाँ ये तो है कि मुनि महाराज को भी बोल सकते हैं मुनि, लेकिन प्रचलन अभी नमोस्तु का है, प्रचलन नमोस्तु का है, बाकी हम उनकी बदनामी उनकी जो है हम बोल सकते हैं। हम जब भी पढ़ते हैं अरे अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, तो वहां बंदामी बोल रहे हैं, तो बंदामी किसको कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी कर रहे हैं, तो हम अब लेकिन प्रचलन अभी जो है किनका है, प्रचलन जो है मुनिराज के लिए भी नमोस्तु का है और आरिका को बंदामी का, ठीक है ना। तो जो प्रचलन है उसकी व्यवस्था को चलना चाहिए। दूसरे तीसरे जो है एलक चुल्लक छुल्लिका है, उनको इच्छामी बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उनको इच्छामी, ठीक है ना। और ब्रह्मचारी जो है, जो प्रतिमाधारी आदि ब्रह्मचारी हैं, तो उनको क्या बोलना, वंदना भैया, क्या बोलना चाहिए, वंदना। और आपस में श्रावक श्राविकाओं को जय जय बोलना चाहिए, क्यों, अब देखिए इनकी कैटेगरी अलग अलग है, आचार, उपाध्याय, साधु। देखा जाए वैसे तो पद में तीनों अलग हैं, लेकिन अगर मुद्रा देखी जाए तो तीनों की एक है कि नहीं, आचार, उपाध्याय, साधु और अरहंत सिद्ध, इनकी सबकी एक ही मुद्रा है, निर्गंत मुद्रा है, क्या है, निर्गंत मुद्रा है, तो इसलिए हम सबको क्या बोलते हैं, नमोस्तु बोलते हैं। आर्य का जो है कपड़े वाली है, साड़ी है, तो इसलिए वहां उनकी पहचान के लिए क्या बोले, तो बोले उनके लिए बंदामी बोल दीजिए। एलक छुल्लक जी हैं, वो भी कपड़े वाले हैं, तो उनको क्या बोल दिया, इच्छामी बोल दिया, ठीक है ना। और अंत में जो है ब्रह्मचारी है, वो उनसे नीचे, वो भी कपड़े वाले हैं, तो उनको क्या बोल दिया, वंदना बोल दिया। जय जिनेन्द्र, ग्रस्त लोग जो है घर में रह रहे हैं, तो इसलिए क्या बोला, घर में रहते हो आप लोग भगवान को भूल जाते, गुरुओं को भूल जाते हो, एक हफ्ता में एक बात नहीं भूलते, मतलब भूलना तो वही है याद रखना, मतलब जो है जो सुबह डेली आए, मंजू जी हैं वो डेली याद करती हैं, अंजना जी डेली याद करती, वो हम तुम्हारे जो डेली आता है मतलब वो याद कर रहा है। अब आने जाते हमें क्या पता तुम क्या याद कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है कि पति देव को याद कर रहा है, कि पत्नी को याद कर रहा है, कि बच्चों को याद कर रहा है, घर गृहस्थी को याद कर रहा है, हमें क्या पता, समझ है ना। तो इसलिए जो है क्या बोले, तो जो भगवान को हम याद करते हैं, ठीक है ना, तो भगवान हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं, तो इसलिए वो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम नमोस्तु बोलते हैं, इच्छा आदि जो उनको एक बंदामी इच्छामी, और जो मतलब कहने का ग्रस्त की बोला थे, ग्रस्त लोग घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर गृहस्थी सहित होते हैं, तो
घर गृहस्थी में कहते ना आप आते एक दोहा है, सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे कोई। तो बोले जो है जो सुख में रहते कोई भगवान को याद नहीं करते हैं, ना गुरुओं को याद करते हैं, और दुख आ जाए तो फिर तो कहां कहां जाएंगे। और जो महाराज कहेंगे अभी तो महाराज और आलू छुड़वाएंगे आ ही नहीं रहे, महाराज नियम दिलाएंगे नहीं आएंगे, और अगर कोई परेशानी हो जाए फिर तो भैया महाराज घर भी छुड़वाएं कुछ भी छुड़वा दें, परेशानी दूर कर दें, महाराज आप तो आपकी शरण में आए, अब आप जो चाहो वो कर दो, क्योंकि तो उनकी अटकी है, अटकी है तो वो सब कुछ तैयार करने हैं, और बिना अटकी नहीं है तो निगम करने कुछ हम तो नहीं करेंगे, एक दिन भी नहीं करेंगे। तो जैन धर्म कहता है आपने जो है प्रतिकूलता अनुकूलता में किया तुमने सब कुछ, तो क्या किया प्रतिकूलता में करो तब बताएं, समझ गए ना। तो आपको जो है जब आप सामान हर समय कीजिए ना, बोले सुख जो दुख में तो सभी कर ले भगवान गुरु को, बोले सुख में कोई नहीं करता, तो भैया बोले तो आप जो है सुख में कर लो ना, और सुख में करोगे तो कभी दुख आएगा नहीं। अब वो आते भैया, वो एक भैया जी आते सुबह साहब सिख में, बोले महाराज ये परेशानी वो परेशानी, मैंने कि देखो ऐसा परेशानी क्यों आती है, परेशानी आती है हमारे जब पाप का उदय होता है, आप पुण्य को बढ़ाइए परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। आप जो है आप तो भगवान के आए दर्शन करके चले गए या आप शेयर करके चले गए, तो जितना आप करोगे उतनी तो मिलेगा आपको है। आप मतलब साल मतलब 6 महीने 8 महीने 9 महीने हो गए तुमने एक पूजा नहीं करी तो क्या होगा, जितना आप शेयर करके जाओगे तो नहीं मिलेगा, और आप पूजा करके जाओगे पूजा कर और महाराज को आहार देके चले जाओ तो और फिर जितना आप पुण्य के कार्य करते जाओगे, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं श्रावक के सठ कर्तव्य पुण्य की क्रियाएं हैं, और इनकी पुण्य की क्रिया करोगे तो उससे आपको पुण्य का अर्जन होगा। आप क्रिया कर रहे पाप की दिन रात क्या कर रहे हैं, पाप की क्रिया कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पाप का ही फल मिलेगा, पुण्य की क्रिया करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। तो कहने का बात हमें कि जो है हमें इस विधि का ध्यान रखना है, मुनिराज आदि पंच परमिष्टि हैं उनको नमोस्तु बोलना है, आरिका को बंदामी बोलना है, ए लक्ष्मी जी को जुलिका को इच्छाएं बोलना है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को वंदना बोलना है, और जो श्रावक श्राविका ग्रस्त लोग हैं उनके लिए नमोस्तु बोलना है, नमोस्तु बोलना है महाराज को बोलना है, नमोस्तु ब्रह्मचारी नहीं बोलना है, ब्रह्मचारी को वंदना बोलना है और ग्रस्तों को जय जयंत बोलना है, ठीक है ना। और जय जयंत इसलिए बोलना है कि मतलब भगवान को भूल जाते तो जय जयंत बोलेंगे तो उन्हें याद है कि जय जय जयंत क्या है, जयंत भगवान की जय। दूसरी बात ध्यान रखिए जय जयंत हम करते हैं जब आपस में कोई करता है तो ऐसे नहीं अंजना जी ने कहा बबीता जी ने बबीता जी है याद याद दिख रहे तो बोले नहीं ऐसे आमने सामने क्या होते हैं जय करें तो अभी कही जय जयंत उनने सिर जगाया तो अभी जगाइए, क्योंकि वो आपका सम्मान नहीं करें, वो जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय जिनेंद्र मतलब जिनेंद्र भगवान की जय हो, वो आपको याद दिलाए कि आप भी जिनेंद्र भगवान को याद करो, ठीक है ना। तो हमें जो है प्रसन्न चित मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए आपस में एक दूसरे को आप मतलब देखते हुए वो करना चाहिए, तो वो हमारा सही विधि होती है। इस प्रकार दूसरी बात बोले हम साधु जन को नमस्कार करते हैं तो साधु जन बोले उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा नहीं आशीर्वाद हर किसी एक साथ देंगे, तो आशीर्वाद भी जो है अलग अलग होता है। बोले अकल बताया गया था यदि कोई हिंसक जीव है, हिंसक जीव है पापी जीव है पाप आदि में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम आशीर्वाद देंगे मुनिराज तो क्या कहेंगे, पाप क्षयोस्तु पापों का क्षय हो, क्या हो पापों का क्षय हो। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, भैया सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भवतु, आप सम्यक दृष्टि हो आप धर्मात्मा हो, या कोई आज जो है कोई इलक चुल्लक आदि है तुले है रत्नात्रयधारी हो आप रत्नात्रय को धारण करो मुनि बनो, और जो रत्नात्रयधारी मुनिराज हैं और उनके लिए गुरुजन क्या करते हैं, मुनिराज गुरु को नमस्कार करते तो क्या करते हैं, बोले जो है समाधि रस्तो, क्या हो समाधि रस्तो समाधि हो,
या कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, बोले दर्शन विशुद्धि भवा। कोई दुखी है, कोई परेशान है, भैया कल्याण रस्तो, धर्म वृद्धि रस्तो, आदि अनेक प्रकार के, जो जैसा व्यक्ति है उसको वैसा ही। अब कोई भूखा व्यक्ति हो और तुम उसको कपड़ा दो, फायदा क्या उसको? तो भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए पहले हम भोजन ही कराएं, जो जिसके पास कपड़ा नहीं है वो उसको कपड़ा दे दें, तभी वह क्या हो जाएगा, वह सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है, जो ऐसे जिसको जिसकी जरूरत है उसको वैसा आशीर्वाद देते हैं। ओम नमः सिद्धि। तुम्हारी पेंसिल।